वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको बॉर्न बेबी की टोपी बताऊंगी, जो स्टिचिंग वीडियो और कटिंग दोनों बताऊंगी। आप देख सकते हो, तो जो कपड़ा है मेरे पास उस कपड़े को देखिए, मैंने सिंगल फो कर दिया है। सिंगल में देखिए 11 इंच में लंबाई का नाप लूंगी और 11 इंच चौड़ाई लेंगे। देखिए 11 इंच लंबाई ले लिया है और 11 इंच चौड़ाई लेंगे। सिंगल कपड़ा है ये, इस तरह से देखिए चारों बाजू निशान करके निशान को मिला देंगे, इसको कटिंग कर देंगे। देख सकते हो कपड़े को अभी फोल्ड कर देंगे। एक बार फोल्ड करके जो खुला भाग है वहां से 1.5 इंच पे एक निशान कर देंगे। देखिए जो बंद भाग का कॉर्नर है वहां से गोलाई का शेप दे देंगे, जहां 1.5 इंच का निशान किया है वहां तक एक शेप देके शेप को कटिंग कर देंगे। गोलाई में कपड़े को कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत सुंदर और बहुत इजी तरीके से टोपी बनेगी। अभी देखिए जो बंद भाग है वहां से हल्का सा कट लगा देंगे। कपड़ा खोलने के बाद इस तरह दिखेगा। अभी देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था साइड में से, वहां पे 2 इंच की चौड़ाई और जो मेरा सीध है टोपी का, उस सीध के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इतनी लंबाई में कटिंग करेंगे एक पट्टी को। 2 इंच की चौड़ाई और इसके अकॉर्डिंग सेम साइज में पट्टी को कटिंग कर देंगे। जो मेन पट्टी है गांठ बांधने वाली, उस पट्टी की साइज देखिए, जो पहले पट्टी कटिंग की है उससे आप डबल ले लीजिए। और चौड़ाई में सेम 2 इंच की पट्टी चाहिए, आप 1.5 इंच लेंगे तो भी चलेगा। 1.5 इंच पतली पट्टी लगानी है तो 1.5 इंच पे कटिंग कीजिए, और चौड़ाई में लगानी है तो 2 इंच की चौड़ाई में कटिंग कीजिए। देखिए मैंने डबल पट्टी कटिंग कर दी है, इस तरह से देखिए 2 पट्टियाँ और टोपी की कटिंग रेडी हो गई है। अभी देखिए सबसे पहले जो पट्टी कटिंग की थी उसको सेंटर में एक कट लगा देंगे, इस तरह से। छोटी वाली पट्टी कटिंग की थी उसमें कट लगाए हैं। अभी देखिए जो गोलाई वाला शेप है उसमें चुन्नट लगाएंगे, हल्की हल्की प्लेट ले लेंगे। जहाँ से कट लगाए हैं वहाँ से प्लेट लेना स्टार्ट किया है, इस तरह से पास पास में एक एक प्लेट्स ले लेंगे। अभी देखिए जो दूसरा पार्ट है वहाँ से भी कॉर्नर से प्लेट्स लेना शुरू करेंगे, जो सेंटर में कट लगाए हैं वहाँ तक चुन्नट ले लेंगे एक एक बाजू बाजू में, इस तरह से। आप देख सकते हो पूरी गोलाई में प्लेट्स ले लिए हैं। देखिए प्लेट्स बहुत सुंदर बने हैं, इस तरह से आप पहले रेडी कर दीजिए प्लेट्स बना के। अभी जो पट्टी है, पट्टी को टोपी को भी उल्टा रखेंगे, पट्टी को भी उल्टा रखेंगे, आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। देखिए आधा आधा इंच की इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए कपड़े को आधा इंच मोड़ के जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखेंगे और किनारी पे सिलाई लगा देंगे, इस तरह से पट्टी को मोड़ते हुए किनारी पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए किनार पे सिलाई लगा देंगे।
देखिए इसके पास में आधा इंच का गैप रखते हुए और एक सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए जो पीछे की तरफ सीध वाला भाग है वहाँ पे अच्छे से उसको फोल्ड करके फिर से एक बार फोल्ड करके सेंटर में निशान कर देंगे दोनों तरफ कपड़े में। उल्टी साइड में टक्स लगा देंगे जो मैंने निशान किए हैं दोनों तरफ, वहाँ पे देखिए आधा इंच पे टक्स लगा देंगे ताकि पीछे का भाग चौड़ाई में कम हो जाए। डबल सिलाई कर देंगे दूसरी तरफ भी इसी तरह से आधा इंच पे टक्स लगा देंगे। आप देख सकते हो टक्स लगा दिए हैं। अभी जो लंबी पट्टी कटिंग की थी उसको देखिए, इसको भी उल्टे साइड में दोनों तरफ देखिए बांधने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए तो एक्स्ट्रा पट्टी दोनों तरफ छोड़ देंगे और आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगाते समय किनार से स्टार्ट नहीं करना है, आधा इंच का गैप रख के सिलाई स्टार्ट कीजिए। इधर भी देखिए मशीन को उठा के इस तरह से निकाल देंगे, किनार पे सिलाई नहीं लगानी है। अभी जो पट्टी है एक्स्ट्रा उसको पहले मोड़ देंगे और सामने की तरफ से आधा इंच फिर से मोड़ देंगे और एक बार फिर से मोड़ते हुए पतली पट्टी बना के किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए किनार पे सिलाई दे देंगे। आप देख सकते हो टोपी बहुत सुंदर बनी है, बेबी ब्राउन कैप बहुत अच्छे से लग रही है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। इस तरह से आप कैप बनाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।